मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 21 फरवरी से संतोष ट्रॉफी का जो यहाँ पे शुरुआत हुआ, आप जितने भी जो फुटबॉल लवर्स हैं इसका आप लोग भरपूर आनंद लिया होगा। और आज जैसे हमारे फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपने कल्याण जी ने जो कहा कि फीफा प्लस के माध्यम से 77 संतोष ट्रॉफी पूरा ग्लोबली पूरा दुनिया के लोग इस मैच को विटनेस किया, और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि 77 संतोष ट्रॉफी को उन्होंने यहाँ अपना एक सुंदर प्रदेश अरुणाचल में होस्ट करने का इन्होंने परमिशन दिया है। और इस आप सभी का सपोर्ट को देखते हुए, आप सभी का जो यहाँ पे फुटबॉल प्रेमी जो आए हैं आपको देखते हुए, हमें ये लगता है कि यहाँ ईटानगर कैपिटल एरिया में इससे भी ज़्यादा फुटबॉल स्टेडियम एक बनना जरूरी है। स्किल को एनहांस करने के लिए हम लोग ग्रास रूट में अभी फोकस कर रहा है, क्योंकि हमने अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ एमओयू करने जा रहा है ग्रास रूट प्रोग्राम को लेकर, अंडर 6 to 12 एंड 12 to 15, देन वी आर गोइंग टू बी लॉन्च एकेडमी, रेजिडेंशियल एकेडमी हम लोग लॉन्च करने जा रहा है। इससे हमें बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको भी पता होगा जैसे गोवा है कितना सालों से खेल रहा है सर्विसेज से, बट हम लोग फर्स्ट संतोष ट्रॉफी खेला 93 में, आप सोचो वो लोग कितना सालों से खेल रहा है, लेकिन हमने भी कोशिश की ये लेवल में, लेकिन अभी उसको हम लोग और बढ़ावा अरुणाचल के भी और मैप में ऊपर लेके आने के लिए हम लोग आप लोग का मदद से हम लोग प्रतिबद्ध है, हम लोग काम करेंगे अपना प्रदेश के लिए अपना लोगों के लिए। सर कहीं ना कहीं इस बार हमें देखने को मिला है कि अरुणाचल का प्लेयर्स भी काफी अच्छा किया है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर हम लोग स्टेट में सीजनल टूर्नामेंट होगा वो लोग जिस तरह से खेलता आया है इस बार और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा उसको लेके आप क्या रिगार्डिंग? देखो आपका इसमें हम लोग भी चाहता है कि खेलना, आपको पता है कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपको भी पता है। अब जब मैं संतोष ट्रॉफी लाया, संतोष ट्रॉफी को हमारा एपीएफए एग्जीक्यूटिव टीम ने जब निर्णय लिया संतोष ट्रॉफी होस्ट करने का, लेकिन हमारा पास ग्राउंड नहीं था, दिस इज द रियलिटी, रियलिटी को भी आपको जानना है। इफ ग्राउंड होता शायद और भी हमारा लेवल अलग होता, लेकिन ये ग्राउंड आपने देखा होगा, हमने लास्ट 3 मंथ्स बैक, उससे पहले आपने गोल्डन जुबली टाइम भी देखा होगा स्टेडियम किस स्थिति में था, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेमा खांडू है तो मुमकिन है, तो इसलिए ये इतना कम समय में हमने 2 ग्राउंड बनाया, राजीव गांधी स्टेडियम एंड यूपीआई स्टेडियम।
बहुत ही कम समय में इसका लाभ आप सबको देखने को मिला आई थिंक। और जहां सीएम साहब ने जो अनाउंस किया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम होगा, वो नेचुरल टर्फ का होगा। आई थिंक आने वाला साल में इंटरनेशनल मैचेस अरुणाचल प्रदेश में मैं कोशिश करूंगा हमारा लोग भी इंटरनेशनल मैच को प्रैक्टिकली देखे। जब तक मैं AIFF में हूँ ये मैं कोशिश करूंगा और लाऊंगा भी जरूर, और लाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको पक्का मिलेगा, हमें यकीन है। और आप लोग का मदद, मीडिया का मदद हमेशा चाहिए। सर आपने सवाल जवाब नहीं दिया, सीजनल मैच पूछा हम लोगों ने, सीजनल मैच हमारे अरुणाचल। सीजनल मैच आपको बताया, ग्राउंड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसके कारण हमने लीग को कैरी ऑन नहीं कर पाया। आगे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कंफर्म होगा, अभी आप देखो हर दिन हर साल होगा। अभी हमने अभी जस्ट डिस्कशन भी हुआ तो वी आर गोइंग टू बी वीमेंस लीग पहले से करके आ रहा है, तो मैंने आज अप्रोच किया कि वीमेंस लीग को भी हमको सरकार फंड करे ताकि हम हमारा जो गर्ल्स है उसको हम आगे बढ़ावा करें और आगे आने का मौका करें, क्योंकि कंधे से कंधे मिलाकर आज का दिन में लड़की लड़का एक साथ जाना है और सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, ये मैं इसमें यकीन करता हूँ। यूज नहीं हो सकता है, संतोष ट्रॉफी सक्सेसफुली हुआ और इसका गिफ्ट अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक को मिला, अरुणाचल प्रदेश का प्लेयर को मिला, अरुणाचल प्रदेश का यंग जनरेशन को मिला, इसे बहुत कुछ मोटिवेट होगा। देखिए मैं कहूँगा कि अरुणाचल में फुटबॉल का संभावना बहुत है, यहाँ के लोग इतना फुटबॉल को प्यार करता है, यदि हम संतोष ट्रॉफी नहीं करते थे तो हमें ये मालूम नहीं पड़ता था। एक तो क्या है कि जिस तरह से आज फाइनल में करीब करीब ऑफिशियल कैपेसिटी 15,000 हम जानते हैं, लेकिन आप भी जानते करीब करीब 18,000-20,000 लोग आज आए थे, मैं समझता हूँ फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी बात है। अरुणाचल में इस संतोष ट्रॉफी होने के कारण बहुत सारे बच्चे जो है फुटबॉल के साथ जुड़ेगा, वो फुटबॉल खेलना चाहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी बच्चों को फुटबॉल की सुविधा देंगे और बच्चे जो है फुटबॉल खेल पाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हमें जो भी टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है हम अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन को देंगे, अरुणाचल गवर्नमेंट को देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है ये संतोष ट्रॉफी अरुणाचल के लिए एक लैंडमार्क बनेगा, एक एक माइलस्टोन बनेगा जहां से फुटबॉल का बहुत सारे डेवलपमेंट होगा। अच्छा सर, जैसे कि आप जमा खंड अपने स्पीकर भी कहा कि और एक क्रिकेट स्टेडियम हम लोग लाने के लिए तैयार, मतलब प्लानिंग करेंगे उसके बाद, तो आपको क्या लगता है सर, आप लोग कुछ और टूर्नामेंट अरुणाचल में लाने का प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लाएंगे, और सीएम साहब से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक और स्टेडियम उन्होंने बनाएंगे यहाँ पे, और आप जानते हैं कि जहाँ फुटबॉल की इतनी पॉपुलरिटी है, इतनी लोकप्रियता है, वहाँ 20,000 की बाद मुझे पता चला कि बाहर इतने सारे लोग, हजारों लोग खड़े हैं बाहर जबकि गेट बंद करना पड़ा, तो नया स्टेडियम होने से और नई खेल होगी और बहुत सारी नई टूर्नामेंट होगी, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे, पूरा पूरा तरफ से हम इसको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सर अरुणाचल में पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा है सर, तो आपके तरफ से कुछ सजेशन रहेगा अरुणाचल को? नहीं देखिए, सजेशन तो यही है कि पहली बार संतोष ट्रॉफी हो रहा है और पूरा स्टेडियम में एक चेयर खाली नहीं है और बाहर में लोग इतने खड़े हैं, तो ये सबसे बड़ी संदेश, सबसे बड़ी मैसेज है फुटबॉल के पक्ष में। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल जो है अरुणाचल में, देखिए नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल हम मणिपुर और मिजोरम तक समझते थे, कभी हमने अरुणाचल की बात नहीं सोचा इससे पहले, अब आगे अरुणाचल के बाद भी सोचा जाएगा। मुझे ऐसा मुझे लगता है कि अरुणाचल बहुत अच्छा आज जिस तरह से होस्ट किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होस्टिंग है ये, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के अरुणाचल का फ्यूचर जो है काफी ब्राइट दिखता है। सर आने वाला कल में कुछ मेजर टूर्नामेंट में अरुणाचल एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए नेशनल चैंपियनशिप आपने किया है, फुटबॉल का सबसे मेजर टूर्नामेंट यही है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, आपने ऑलरेडी होस्ट किया है, मुझे लगता है आगे और करेंगे। आप लोग जीत के ले जा रहे घर ले जा रहे, तो एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर कर दीजिए। बहुत खुश हूँ, अभी एक्सपीरियंस बोलो तो अभी इतना पहले का जैसा नहीं है, अभी स्टेट का प्लेयर्स लोग अभी इतना फोकस हो रहा है अभी संतोष ट्रॉफी में, और दोबारा का पुराना का साल में अभी फिर लेके आ रहा है, तो प्लेयर्स लोग भी अभी सेकेंड डिविजन के प्लेयर्स लोग पूरा आके खेल रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव बहुत हो रहा है, तो हम लोग भी इसके हिसाब से हम लोग भी गेम भी पहले शुरू किया था तो उसका मोमेंटम लेके जा रहा है, हम लोग का टीम भी ये हम लोग 4-5 महीना से खेल रहा है तो थोड़ा सेट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा इजी हुआ, फिर भी ये टूर्नामेंट में इजी तो नहीं शुरुआत से, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा टीम है, अभी स्टेट है अरुणाचल भी इतना फाइट कर रहा है, तो अच्छा टीम है, तो आई थिंक एवरीवन इज डिजर्व, बट वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। कॉन्फिडेंस आपको सर्विस वाले ही जीत कर ले जाएंगे? हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और ये कंटिन्यू में रहेगा हम लोग।
इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि दोनों होस्ट टीम नहीं खेल रहे तो इतना क्राउड आएगा तो एक्सपेक्ट तो नहीं किया. फिर भी आई वांट टू से टू एवरी फैंस वेरी थैंक यू फुटबॉल लवर्स. इतना है पहले पता नहीं था अरुणाचल में इतना है, फिर भी आके इतना सपोर्ट करके देने के लिए हम लोग ले वेरी थैंक यू फॉर दैट. आपका पास काफी अनुभव है अरुणाचल टीम के लिए एज अ टीम कैप्टन, हाउ वाज इट टीम का सर एंटायर लीड करने के लिए एंटायर टीम का. अभी हमारा तो सर्विसेज है तो मैं सीनियर हूँ तो मैं कैप्टन पकड़ा तो मेरा बात थोड़ा मानता है हम लोग का क्योंकि ये पार्ट ऑफ द रूल्स है. तो मैंने इतना लीड किया, मेरा कोऑपरेट इतना किया, प्लेयर्स लोग भी इतना हमारे को सपोर्ट किया और कोचेस लोग इतना गाइड करके हम लोग को इतना अच्छा बनाया. तो टफेस्ट कंपटीशन कौन सा था एंटायर जो मेंबर्स? टफेस्ट बोलेगा तो शुरुआत से पूरा टीम दबी तो है, इवन इन अरुणाचल इतना फाइट दे रहा है तो आई थिंक एवरीवन. अरुणाचल के जो ऑर्गेनाइजर है क्या कहना? इतना ये तो एक्सपेक्ट तो किया नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं था, फिर भी इतना ग्राउंड भी अच्छा है और वो लोग हम लोग को कॉम्बिनेशन दे रहे हैं इतना इधर सब कुछ दे रहे हैं तो आई थिंक दे आर द बेस्ट. गोवा टीम को क्या कहना? गोवा टीम हार्ड लक जी जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसी का कोई ठिकाना नहीं है. हम लोग बहुत मेहनत किया इधर तक तो खुशी खुशी जाएगा. अभी आपको उसमें खेलते वक्त काफी चोट लगा था? जी जी ये इंजरी पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब गेम में इंजरी होगा तो तभी सक्सेस मिलता है. जी जी अरुणाचल में फर्स्ट टाइम आया लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इधर का क्राउड इनका क्राउड का प्यार बहुत है. जी जी आज बहुत ऑडियंस था तो वो टीम सपोर्ट कर रहा था लेकिन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, मतलब जो अरुणाचल ने पहली बार ऑर्गेनाइज किया है तो बहुत अच्छा किया है. जी जी प्रैक्टिस वही है, सेम ही है, मतलब सेशन होता है तो आगे भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा.